दरभंगा में बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम बिदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरे आलम को केवटी थाना की पुलिस ने उनके आवास से हिरासत में ले लिया था। दरअसल नजरे आलम ने मंगलवार को ही डीएमसीएच में बीते दिनों प्रशासनिक लापरवाही से हुई मौतों के विरोध में मुख्यमंत्री के विरोध का आह्वान किया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए उन्हें आज सुबह कुछ घंटों के लिए हिरासत में ले लिया था। हालांकि मुख्यमंत्री के जाने के कुछ देर बाद ही नजरे आलम को रिहा कर दिया गया। क्योंकि बेटा चाहिए चाहिए भैया। देखिए, कल ही हमने सुशासन बाबू के जो न्याय का के साथ विकास का नारा है उस पर एक खुली चिट्ठी लिखी थी। उसमें था कि लोकतंत्र, तो लोक हट चुका है, तंत्र जो इनका आज काम किया है। कल रात से मुझे दबाव दिया गया, मुख्यमंत्री का आज दरभंगा दौरा था, सुबह 8 बजे आज मुझे घर से डिटेन किया गया, केवटी थाना लहरिया सराय थाना की फोर्स बड़ी तादाद में भेज करके एक न्याय की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। जबकि हमारी सिर्फ एक ही दो मांग है कि जिस तरह से डीएमसीएच में कुव्यवस्था फैली हुई है और लगातार मृत्यु पर मृत्यु हो रही है, पहले गंगा देवी की मृत्यु हुई गलत ब्लड चढ़ाने से, उसके बाद जमाल अतर रूमी का ऑक्सीजन हटा करके मार दिया जाता है, उमेश चंद्र को मार दिया जाता है, ओम प्रकाश गुप्ता को मार दिया जाता है, और जब इस पर दरभंगा प्रशासन या सरकार से सवाल किया जाता है तो इनके का जो तंत्र है वो ऐसी आवाज़ को दबाने के लिए आज मुझे 8 बजे सुबह डिटेन किया गया है और अभी छोड़ा गया है। मैं नीतीश कुमार को फिर आपके चैनल के माध्यम से ये चेतावनी देता हूँ कि आप जितनी जल्द हो न्याय के साथ जो आपने विकास की बात की है उसको दुरुस्त करें, और जितने लोगों की सरकारी हत्या हुई है, चाहे वो जमाल अतर रूमी की हो, उमेश चंद्र की हो, गंगा देवी की हो, या फिर ओम प्रकाश गुप्ता की हो, अविलंब सबकी न्यायिक जांच हो और जो इसमें दोषी है उस पर कानूनी कार्रवाई हो। दूसरी मांग हमारी थी जो ये बाढ़ है, जो प्राकृतिक आपदा है, यही सुशासन बाबू कहते थे 2002 में, 2004 में जब राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर थी तब उन्होंने कहा था कि मुझे 3 साल के लिए बिहार की जनता सत्ता दे, मैं इसका अस्थाई निदान करूंगा। 15 साल जनता ने दिया लेकिन ये बाढ़ का कोई निदान नहीं किए। आज पूरा बिहार बाढ़ से त्रस्त है, इनका जो न्याय के साथ विकास है सब फर्जी है और जनता इस बार इसका बदला जरूर लेगी।